हेलो एवरीवन, आज हम डीप फेक वीडियोस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आजकल आपने ट्रेंडिंग वीडियोस देखे होंगे, उन ट्रेंडिंग वीडियोस में एक मूवी का सीन होता है जिसमें ओरिजिनल एक्टर कोई और होता है और वीडियो में लोग अपने फोटोज के साथ उसको क्या है एडिट करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि ये देखिए मेरे पास कितनी अच्छी स्किल है, मैंने एक एडिटेड वीडियो बनाया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत पैसा लगता है और बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसके बारे में नॉर्मली आम इंसान को नॉलेज नहीं होता है। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक डीप फेक वीडियो बनाने के लिए आपको डीप लर्निंग की नॉलेज होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज होना चाहिए, मशीन लर्निंग की नॉलेज आपको चाहिए, एल्गोरिदम्स की आपको नॉलेज चाहिए और साथ में आपके पास मैसिव डेटाबेस होना चाहिए। एक परफेक्ट डीप फेक वीडियो बनाने के लिए एक इंसान की कम से कम 300 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए डिफरेंट डायमेंशंस में, जो कि हम लोग आजकल खुद ही वॉलंटरी करते हैं। ठीक है, लाइक फेसबुक पे या अदर जो चैनल्स हैं उस पे हम अपने फोटोज शेयर करते रहते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, और कोई भी वहाँ से आपके क्या है फोटोज को डाउनलोड कर सकता है और डाउनलोड करने के बाद आपका ही वो फेक वीडियो बना देगा और आपको पता नहीं पड़ेगा। और इसमें स्वैप टेक्नोलॉजी यूज में आती है, साथ में वॉइस चेंजर यूज करते हैं ताकि आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल ऐसा लगे कि आपकी ही आवाज में वो वीडियो बना है। साथ में एक नई टेक्नोलॉजी है GAN, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हम एक परफेक्ट डीप फेक वीडियो बनाने के लिए। कुछ चाइनीज एप्स हैं जो ये काम आसान कर देते हैं, मैं उनका नाम यहां पे ले रहा हूं। जाओ, डीप फेक वेब, वैम्बो, रिफेस, माई हेरिटेज, डीप फेस लैब, डीप आर्ट, फेस स्वैप लाइव, फेस ऐप, जिगी, एसेट्रा एसेट्रा। देखिए, इन नामों से क्या है, ये सारे ऐप हैं जिसकी मदद से आप डीप फेक वीडियो बना सकते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐप्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एडवांस हैं कि वो रियल टाइम में आपका फेक वीडियो बना देते हैं। इसका बेसिक और जो इनिशियल पर्पस था मैं आपको बता दूं, वो सटायर था, एक पैरोडी बनाने के लिए, और कुछ हद तक मूवीज में भी इस डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने रिसेंट क्या है टर्मिनेटर मूवी देखी होगी जिसमें आर्नोल्ड काफी एजेड हो गया है, मगर उसको टाइम मशीन से पीछे जाना होता है और वो जो पीछे के टाइम में जो उसको शूट करना है वो यंग टाइम में करना है। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी से उन्होंने क्या करा, उसके जो फोटोग्राफ थे उनकी मदद से उसको शूट करा और ऐसा लगा कि वो एक यंग आर्नोल्ड है। तो कई बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आप एज ज़्यादा हो गई और आपको यंग दिखाना है, तो वहाँ पे ये क्या है लॉजिकल है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो उसका विक्टिम है वो वुमेन्स हैं, उनके बहुत सारे जो पॉर्न साइट्स होती हैं उस पर डीप फेक वीडियोस, स्पेशली सुपर मॉडल्स, एक्ट्रेसेस के क्या है और सिंगर्स के साथ ऐसा करा जाता है, उनके फोटोग्राफ्स को क्या है कि मदद से उनके डीप फेक वीडियोस बनाए जाते हैं, जो कि काफ़ी शर्म की बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ भी होता है, नेगेटिव यूज़ भी होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फन के लिए करते हैं बट वो फन जो है किसी के लाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और कई बार यहाँ तक देखा गया है कि लोगों को जब ये बातें पता पड़ी तो उन्होंने सुसाइड तक अटेम्प्ट किया है और कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया है। तो ये एक बहुत लाइट मैटर भी नहीं है और ये इसलिए भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग वॉलेंट्री क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे फोटोग्राफ शेयर करते हैं और हमें अंदाजा भी नहीं है कि इन फोटोग्राफ्स का कौन मिसयूज करेगा और अल्टीमेटली आपको क्या है उसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि इसके लिए आप फोटोग्राफ्स अपने कम से कम शेयर करिए, हो सके तो ना फोटोग्राफ शेयर ना करें, अगर फोटोग्राफ्स कर रखे हैं तो उनको डिलीट कर दें जितना हो सके। कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के यहाँ पे नाम हैं जो डीप फेक वीडियोस के विक्टिम हैं, जैसे बराक ओबामा, उनका क्या है एक स्पीच जो था वो टोटली क्या है डीप फेक वीडियो बनाया गया था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी वीडियो पे का वॉइस चेंज नहीं होता है कि खाली वॉइस चेंज कर दिया, फोटो चेंज कर दिया, एक बिल्कुल नया वीडियो भी हम बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे फेस के जगह किसी एक्टर का फेस हो सकता है, किसी पॉलिटिशियन का हो सकता है, और मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको ऐसा लगेगा कि वो एक्टर बोल रहा है या स्पोर्ट्स पर्सन बोल रहा है या पॉलिटिशियन बोल रहा है। और ऐसे वीडियोस को सोशल मीडिया पे लोग रन कर देते हैं और लोगों को लगता है कि ऐसा हो रहा है जबकि वो टोटली फेक होते हैं।
तो किसी भी सोशल मीडिया के कंटेंट को आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें। बराक ओबामा जैसा मैंने आपको बताया था, वो इसके विक्टिम हो चुके हैं। टॉम क्रूज है, एक कोरियन न्यूज रीडर हैं किम जू हा, वो इसके विक्टिम हो चुकी हैं। वंडर वूमन एक्ट्रेस वो उसमें हो चुकी है। स्नूप डॉग सिंगर वो इसके हो चुके हैं। रॉबर्ट डॉनरी जे आर ये इसके क्या है विक्टिम हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसके विक्टिम हो चुके हैं और व्लादिमीर जेलेंस्की ये इसके विक्टिम हो चुके हैं। तो इससे किसी को भी क्या है टारगेट किया जा सकता है, इनफैक्ट लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अब इसके हम अदर साइड देखते हैं। फन तक तो ठीक था, बट क्या आपको पता है ये आपका जो ये जो फन है वो आपको जेल तक पहुंचा सकता है। तो बहुत सारे इस पे लीगल इश्यूज हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो इशू आता है वो कॉपीराइट का आता है, कि जो डीप फेक वीडियो बनाया गया है उसका कॉपीराइट किसके पास होगा, जो उसको एडिट कर रहा है उसका होगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका होगा। सेकेंडली इक्विटेबल रिमुनरेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सपोज एक मूवी का मैं प्रोड्यूसर हूँ और मेरी मूवी का लोग फेक डीप फेक वीडियोज बना रहे हैं, तो उसका सेट उसके एक्टर उन्होंने मेरे लिए काम करा, मैंने उनको पेमेंट करा, तो कॉपीराइट मेरे पास है उस चीज का। तो अगर कोई फेक वीडियो बना रहा है और उससे उसकी अर्निंग हो रही है तो क्या मुझे उसका कुछ शेयर मिलेगा? जैसा कि आजकल होता है, सपोज एक सॉन्ग है और कोई भी सॉन्ग अपने चैनल पे यूट्यूब चैनल पे डाल सकता है, बट उसको डालने से बस आपको लगता है कि आप उसको बेनिफिट मिल रहा है, पर जो मॉनिटरी पार्ट है वो उस कॉपीराइट होल्डर के पास ही जाता है। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी हो सकता है कि जो ओरिजिनल कंटेंट जिसके पास है उसका एक शेयर उसके पास जाए, बट यहाँ पे वो शेयर तब जाएगा जब हम इस प्रोसेस को लीगलाइज करेंगे। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ें लीगलाइज होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि अभी तक तो ये क्या है फन के लिए ही चल रहा है। फिर आर्टिकल 5(1) ऑफ ईयू जीडीपीआर, तो ईयू जो जीडीपीआर रेगुलेशन है वो क्या कहता है कि इस तरह के इनअप्रोप्रिएट या इनकरेक्ट डेटाबेस को डिलीट करना है। तो जिसके पास भी डेटा है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको डिलीट करे, पहली बात। दूसरा आर्टिकल 17 जीडीपीआर क्या कहता है, राइट टू इरेजर। तो अगर किसी भी इंसान को ऐसे कंटेंट के बारे में पता पड़ता है वो कंप्लेंट कर सकता है और उसकी कंप्लेंट पे कंपनी को वो डेटा डिलीट करना पड़ेगा। तो ये तो फॉरेन लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर आता है डोमेस्टिक लॉ। तो डोमेस्टिक लॉ में सेक्शन 66 आईटी एक्ट 2000, तो सेक्शन 66 आईटी 66C जो है वो आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में बात करता है। और ये जो केस है क्लियर क्लियर आइडेंटिटी थेफ्ट है, किसी का फोटो किसी का वीडियो किसी के और इम्पोज कर दिया और आप उसको रन कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन भी लगेगा। इसके साथ हैकिंग आ जाएगा सेक्शन 66 में, अगर आप डेटाबेस किसी का चुराते हैं तब। फिर आता है सेक्शन 463, 464, 465, 469, 474 ऑफ आईपीसी। तो ये सारी चीजें फोर्जरी में भी आएंगी और साथ ही साथ क्या है 419 और 420 आई क्या है ऑफ आईपीसी, ये भी उस पर एप्लीकेबल होगा। और साथ ही सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी ये भी एप्लीकेबल होगा। तो इसमें इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसका भी वायलेशन है और हमारे जो डोमेस्टिक लॉ है उसका भी वायलेशन है। तो मेरा एक ये मैसेज है कि डी फेक वीडियो बनाने से पहले आप 1000 बार सोचिए, क्योंकि आपका हंसी और मजाक का जो एक्सपेक्ट है वो आपको जेल तक पहुंचा सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोगों ने अपने बॉस का, अपने टीचर्स का और अपने रिलेटिव्स का, अपने कलीग्स का डी फेक वीडियो बनाए हैं और उसमें से कुछ लोग जो हैं वो जेल में है आज। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके क्या सजेशंस हैं कि आप क्या सोचते हैं कि डीप फेक वीडियोस के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आपका लीगल ओपिनियन क्या है, आपका कोई और पर्सपेक्टिव है इसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।